ये क्या कर रही हो बहू? झाड़ू लगा रही थी मम्मी जी। ऐसे झाड़ू लगाते हैं? है? तुमको झाड़ू लगाना नहीं आता है, इस वजह से झाड़ू लगाया जाता है। तू तो ऐसा झाड़ू लगा रही है बहू, जहाँ भी गंदा ना हो तू झाड़ू लगा के वहाँ भी गंदा कर दे। सारा कचरा घुसेड़ रही है इधर उधर। क्या हुआ मम्मी जी? खुद ही देख लो छोटी बहू, दिख ही रहा होगा तुमको भी, बड़ी बहू कितना अच्छा झाड़ू लगा रही है। देखो कैसे झाड़ू लगा रही है, इधर कचरा पड़ा है, उधर कचरा पड़ा है, और ये झाड़ू लगा रही है। अरे ऐसे भी कोई झाड़ू लगाता है क्या? हाँ मम्मी जी, देख तो मैं भी रही हूँ आज से, क्या कितने दिनों से देख रही हूँ कि दीदी को झाड़ू लगाना भी नहीं आता है। बिल्कुल भी साफ सफाई नहीं है दीदी के अंदर, पता नहीं कैसे झाड़ू लगाती है। सारे कोनों में कचरा भरा हुआ है, दीवारों पर जाले लगे हुए हैं, पता नहीं कैसे साफ सफाई करती है दीदी। ये तो कारपेट तक उठाकर झाड़ू नहीं लगाती है, उसके और नीचे आप देखिए कितना कचरा भरा होगा, उसी के ऊपर ऊपर झाड़ू लगा देती है। बस मुझे तो ऐसा लगता है जैसे इस घर को ये अपना मानती ही नहीं है, ऐसे काम करती है जैसे काम वाली बाइया नहीं करके जाती है। पैसे में कोई अपनापन ही न रहे काम करने में, ये तो वैसा काम करती है, फॉर्मेलिटी के लिए करती है बस काम, कि मेरा काम भी हो जाए, कोई कुछ कहे भी ना मुझे। अब आप ही बताइए मम्मी जी, ऐसे भी भला कोई काम करता है क्या? घर की साफ सफाई तो उसे कहते हैं मम्मी जी कि कोई आए ना सामने से तो अपना चेहरा देख ले फर्श में, इतना साफ होना चाहिए, दूर से ही चमकना चाहिए फर्श, नहीं तो भला इतनी महंगी महंगी टाइल्स लगाने का क्या ही मतलब है जब साफ सफाई ही ना हो घर में। चार लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि पैसे के चक्कर में लगवा तो लिया टाइल्स घर में, लेकिन साफ सफाई तो एक पैसे की भी नहीं है। लेकिन यहाँ हाल तो ऐसे है कि अगर दीदी झाड़ू लगा दे तो जो उसके कूंजे रहते हैं इधर उधर फैल जाते हैं, फर्श नहीं भी गंदा हो वहाँ भी गंदा हो जाए। मम्मी जी मैंने तो कई दिनों से नोटिस किया है कि इस घर में तो सिर्फ नाम सार के लिए ही काम होता है, मन से तो कोई काम करती ही नहीं है दीदी। देखा कितनी समझदार है मेरी छोटी बहू, सीख लो कुछ अपनी देवरानी से। बस कुछ बोल दो मुंह बनाना आ जाता है, आजकल का कैसा जमाना आ गया है कि छोटों को अकल है और बड़ों को अकल ही नहीं है, बड़ों को छोटों से सीखना पड़ रहा है। तुमसे बाद में आई है इस घर में शादी करके, लेकिन देख लो हर एक चीज के बारे में बताए उसे बारीकी से, और तुम्हें देख लो इतने दिन की आई हो तो भी कुछ नहीं जानती हो घर को कैसे संभालते हैं। पता नहीं घर कैसे संभालोगी तुम, मेरे जाने के बाद इस घर का पता नहीं क्या होगा। चलो शुक्र है भगवान का कि एक बहू निकम्मी निकली तो दूसरी होशियार बहू मिल गई है मुझे। अब मैं तो इस घर की जिम्मेदारी छोटी बहू के हाथों में ही दूंगी, तुझे तो मैं बिल्कुल भी ना दूंगी। घर बर्बाद थोड़ी ना करना है तेरे हाथ में देकर, मेरे बाद तो सब कुछ छोटी बहू ही संभालेगी। वाह प्रिया, आने वाले समय में तू इस घर की मालकिन बन जाएगी। वाह क्या जादू किया है तूने अपनी सास सुमैया पर। अब खड़ी खड़ी मुँह क्या देख रही है, झाड़ू लगा अच्छे से, मैं आज देखती हूँ कि कैसे तू साफ सफाई नहीं करेगी ढंग से। अब तो मैं खड़े होकर सारे काम करवाया करूँगी तुझसे। हाँ दीदी अच्छे से काम करिए ना, इतनी आलसी क्यों करती है, एक तो इतना लेट काम करती है, ऊपर से इतनी गंदगी भी फैला के रखती है, आप काम में सफाई भी नहीं है। मैंने सुना था जो लेट काम करता है वो बहुत अच्छे से काम करता है, ज्यादा साफ सफाई होती है उसके हाथों में, लेकिन आपके हाथ में बिल्कुल भी साफ सफाई नहीं है, कपड़े भी आप ऐसे धोती हैं कि एक दाग नहीं छूटता है। भगवान जाने कैसा काम करती हैं आप, थोड़ा ढंग से काम किया करिए। चुप कर जा प्रिया, एक शब्द नहीं बोलना मुंह से बाहर, समझी? बहुत बोल लिया तूने और बहुत सुन लिया मैंने। ये कैसे बदतमीजी से बात करी है तू छोटी बहू से, हैं? बहुत तमीज से बात कर ली मम्मी जी, अब नहीं कर पाऊंगी मैं इससे ज्यादा। इसको बहुत ज्ञान देने की आदत है ना, तो खुद ही कर लिया करे सब कुछ। ज्ञान तो देगी अगर उसके पास ज्ञान है तो, ढंग से काम नहीं करती है तू तो बताएगी ही सही तुझे। नहीं मम्मी जी मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, जिसको अच्छे से काम करना आता है वही काम कर ले, मुँह बस चलाने से काम नहीं होते मम्मी जी, करना पड़ता है उसे। पूरे 4 महीने हो गए इनकी शादी को, मैंने आज तक एक ग्लास इधर से उधर रखते हुए नहीं देखा इनको। बड़ी आई मुझे ज्ञान देने वाली, कभी कुछ किया है अपने से कोई भी काम नौटंकी के अलावा? दीदी आप बहुत ज्यादा बोल रही हैं, मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, समझी आप? मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ, आपके जैसे गवार नहीं हूँ, तो मैं भी कोई बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। और गवार किसको बोल रही है तू, हाँ तुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ, समझी ना?
मेकअप थपोड़ने से कोई कलेक्टर नहीं बन जाता है, समझी? हर वक्त चिक 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 करती रहती है। मम्मी जी का मैं चुपचाप इसलिए सुन लेती हूँ क्योंकि मैं उनकी उम्र का लिहाज करती हूँ। वो मुझसे बड़ी हैं, वो जो चाहे वो कह सकती हैं, माँ के समान है वो, समझी? लेकिन मैं तेरा नहीं सुनने वाली हूँ, बहुत हो गया। मैंने सोचा चलो ठीक है, छोटी है, संभल जाएगी, लेकिन तेरी हरकतें तो बढ़ती ही जा रही हैं, उल्टा मेरे खिलाफ मम्मी जी को भड़काती रहती है हर समय। क्या मैं जानती नहीं हूँ? अरे कुछ बोलती नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ जानती समझती नहीं हूँ। 24 घंटे मेरी चुगली के अलावा आता ही क्या है तुझे? जब देखो मेरी बुराइयाँ करती रहती है मम्मी जी से। आज तक कभी एक कप चाय भी बना कर दी है मम्मी जी को? मम्मी जी आप जो पूरा दिन गुणगान गाती रहती है छोटी बहू, कभी आज तक उसके हाथ की एक कप चाय पी है आपने? चाय तो छोड़िए, कोई भी एक काम किया है आपकी छोटी बहू ने इन 4 महीनों में? बताइए, सिर्फ नौटंकी करने के अलावा या मेरे खिलाफ भड़काने के अलावा आपको? क्या भड़काती है वो, जो भी कहती है सही तो कहती है, कौन सा गलत बोलती है वो तेरे बारे में? जैसा काम करेगी वैसा तो सुनना ही पड़ेगा, चाहे मैं कहूँ चाहे छोटी बहू कहे। नहीं मम्मी जी, नहीं सुनना पड़ेगा, मैं यहाँ किसी का सुनने के लिए थोड़ी ना बैठी हूँ कि अगर मैं चुपचाप सुन रही हूँ तो आप लोग सुनाते रहेंगे। अरे मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी बुरा लगता है, चुपचाप सुन लेती हूँ कि चलो कुछ बोलूँ नहीं तो सामने वाले को भी बुरा लग जाएगा। लेकिन आप लोग ने तो हद ही पार कर दी है, हर चीज के लिए टोकते हो, मेरे बारे में तो जरा सा ख्याल नहीं आता आपको। ये जो महारानी 24 घंटे बोलती है ये काम बहुत अच्छे से करना चाहिए, ये नहीं ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, तो खुद ही करवाइए छोटी बहू से अपने, वो भी तो इसी घर की बहू है। मैं बस क्यों करूँ अकेले काम, छोटी बहू भी करे, उसका भी तो बराबर हक है ना इस घर में, तो काम करने में भी बराबर का हक होना चाहिए। लेकिन वो तो महारानियों की तरह बैठी रहती है, उसे तो सब कुछ अपने कमरे में चाहिए, काम करने के लिए बस मैं हूँ, और ऊपर से आप लोग उंगली भी मुझे ही करोगे, ये नहीं करो वो नहीं करो ऐसा करो वैसा करो। बहुत हो गया मम्मी जी, अब मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होने वाला, समझी आप? बहुत उम्र का लिहाज कर लिया मैंने आपका। बात बताइए आप, जब छोटी बहू नहीं आई थी इस घर में तभी तो मैं ही आपकी बहू थी ना, तब तो आपको कोई बुराइयां नहीं दिखती थी मेरे अंदर, कभी भी मुझे कुछ नहीं कहती थी। शादी के पूरे 3 साल तक आपके साथ रही हूँ, कभी एक शब्द नहीं बोला आपने मुझे उल्टा, और छोटी बहू के घर में आते ही आप मुझे ताने देने लगी हर चीज में, ऐसे कैसे मम्मी जी? छोटी बहू के आते ही कैसे बुराइयां दिखने लगी आपको मेरे अंदर? अचानक से मैं कैसे इतनी बुरी बन गई? पहले तो आपके लिए बहुत अच्छी बहू थी, बहुत संस्कारी बहू थी, बहुत समझदार बहू थी, छोटी बहू मिल गई आपको तो बड़ी बहू को भूल गई। और एक बात बताइए, मैं भी तो इस घर में नई बहू आई थी ना, तो मैंने तो दूसरे दिन से ही काम करना शुरू कर दिया था। किया था कि नहीं किया था मम्मी जी, बताइए? किया था ना, तब आपको याद नहीं आया था कि ये भी तो नई बहू आई है घर में, अभी से क्यों काम करवा रही हूँ? लेकिन छोटी बहू के लिए अभी नई है, अभी से काम नहीं करवाओ, अभी काम नहीं करेगी छोटी बहू, साल भर तो बिल्कुल ही नहीं करेगी, नई नवेली बहुओं से कौन काम करवाता है? जब यही था कि नई नवेली बहुओं से काम नहीं करवाता है तो फिर मुझसे क्यों करवाई थी आप? दोनों बहुओं में इतना भेदभाव क्यों, बताइए मुझे? चलो उसमें भी मैं मान गई कि चलो ठीक है, मैंने अपनी खुशी से किया था, मुझे अच्छा लगता था, छोटी बहू को नहीं अच्छा लगता है आपके काम करना तो नहीं कर रही है, कोई बात नहीं, जहाँ मैं 5 लोगों का काम करती थी वहाँ 1 लोग और बढ़ गए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों की ये बार बार उंगली करने की आदत से ना इरिटेट हो चुकी हूँ, इसीलिए मुझे आज बोलना पड़ा, बर्दाश्त की सीमा मेरी खत्म हो चुकी थी। देख रही है ना मम्मी जी, आप तो कह रही थी आपकी बड़ी बहू बहुत सीधी है, यही सीधी है क्या मम्मी जी? इन्हें तो बात करने की भी तमीज नहीं है, कैसे बात करी है आपसे? मुझे तो मम्मी जी सच में बहुत गुस्सा आ रहा है इनके ऊपर, क्या करूँ छोटी हूँ, नहीं तो मन तो कर रहा है कि 2-4 चाटे लगा दूँ मुँह पे जो चपड़ चपड़ बोल रही है। मैं भी देखता हूँ कैसे तुम भाभी जी को चाटे लगा रही हो, लगाओ मेरे सामने, गलती से हाथ लगाने की हिम्मत भी मत करना, नहीं तो हाथ तोड़ के ना कुत्तों को खुला दूंगा, समझी? अरे जी आप? हाँ जी मैं, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने तुम्हारी ये बदतमीजी, अब नहीं करूँगा, समझी? सूरज ये कैसे बात कर रहा है तू अपनी पत्नी से? ये संस्कार दिए हैं क्या मैंने तुझे? संस्कार तो अच्छे ही थे मम्मी, लेकिन जब से इसको देखा है ना सारे संस्कार भूल चुका हूँ,
मुझे तो इसकी बातें सुन सुन के गुस्सा आता है। अच्छा हुआ भाभी कि आज आपने इन दोनों को अच्छे से जवाब दे दिया, नहीं तो पता नहीं ये दोनों आपको कितना प्रताड़ित करते। मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि कैसे इन दोनों को समझाऊं। जानता तो मैं भी था सब कुछ, लेकिन मजबूर था, कुछ कर नहीं पा रहा था। बस आपके लिए बुरा फील करता था कि एक भैया यहाँ नहीं है, ऊपर से आपके साथ इतना दुर्व्यवहार कर रहे हैं। एक तो मेरी पत्नी, ऊपर से मेरी मम्मी भी अपनी छोटी बहू के पास बैठ बैठ के पूरी उसके जैसी हो गई है। प्रिया, कसम से बोल रहा हूँ कि अगर तुमको मैं ऐसे पहले से जानता ना कि तुम इस तरह की हो, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करता। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से ना, जितना ही मैं तुमसे प्यार करता था, उससे कई गुना ज्यादा मैं तुमसे नफरत करने लगा हूँ। क्या कह रहे हैं जी? मुझसे क्या ऐसी गलती हो गई जो आप मुझे इस तरह से बोल रहे हैं? क्या गलती हो गई है? गुनाह किया है तुमने, मेरे घर को नर्क बना के रख दिया है। जब देखो इस घर में लड़ाइयाँ ही चलती रहती हैं, ऑफिस से आओ तो यहाँ तो बकबक शुरू रहती है। वो सिर्फ ना तुम्हारी वजह से हुआ है, नहीं तो मामी और भाभी में तो कभी लड़ाइयाँ होती ही नहीं थी। 3 सालों से देख रहा हूँ, कभी लड़ाइयाँ नहीं हुई। जब से तुम आई हो इस घर में तो हर दिन कलेश होता है। तुमने अगर अपनी आदत नहीं सुधारी ना तो वो दिन दूर नहीं, या तो मैं इस घर से चला जाऊँगा या तो तुम चली जाओगी। भाभी, ये सब इसकी वजह से हो रहा है। भाभी, मैं भी तो आपको हमेशा अपनी माँ का दर्जा दिया है ना, माँ के अलावा मैं आपको ही अपनी माँ मानता था, लेकिन इसके आने से सबसे ज्यादा तकलीफ आपको हुई है। नहीं देवर जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप प्लीज ऐसे ऐसी बातें मत करिए। उससे अभी माफी मांगिए, वो इस तरह से बेचारी रो रही है। छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो हर घर में होती रहती हैं। हाँ बेटा, तेरी भाभी सही कह रही है, गलती तो मैंने भी बहुत बड़ी की है। मैं भी तो कोई छोटी बच्ची नहीं थी ना कि मैं भी उसके बातों में आ गई, ये तो मेरी खुद की ही गलती थी। और बेटा, इस तरह से तू अपना रिश्ता मत खराब कर, तेरी भाभी जैसा कह रही है तू वैसा ही कर। तू मेरी बात नहीं मानेगा मैं जानती हूँ, लेकिन अपनी भाभी की बात तो मानेगा ना। इस तरह से छोटी बहू को मत रुला बेटा। हाँ देवर जी, प्लीज आप उनसे इस तरह से बात मत करिए, थोड़ा एक दूसरे को टाइम दीजिए। एक साथ जब रहेंगे आप लोग तो धीरे धीरे सब समझने लगेंगे एक दूसरे को। देखा तुमने, मेरी भाभी कितनी अच्छी हैं। तुमने इतना कुछ किया उनके साथ, फिर भी अभी वो तुम्हारे बारे में ही सोच रही हैं। सॉरी दीदी, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगी, और हम हमेशा एक साथ रहेंगे। जैसे दो बहनें साथ में रहती हैं वैसा ही रहेंगे। कोई बात नहीं प्रिया, मुझे तो इसी बात की खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो है। माफ करना बहू, मैंने भी अनजाने में तुझे बहुत बुरा भला कहा। कोई बात नहीं मम्मी जी, आप माफी मत मांगिए, आप तो मेरी माँ के समान हैं। मुझे आपकी बात का बुरा नहीं लगा,